जिनको स्तन पे सूजन है माताओं बहनों को पत्ते के साथ में इसका एक और उपाय कर सकते हैं। इसके अंदर जो आने वाली फल की जो गिरियां हैं यह बाज़ार में भी मिल जाता है, पका हुआ जो फल है इसका, जो परिपक्व जो फल है उस फल की गिरी निकाल करके उसको आप पीसें, सिलबट्टे पे या मिक्सी पे बिल्कुल बारीक पीस लें, उसका पेस्ट बना करके यदि आप स्तनों पर लेप करती हैं तो उससे भी जो स्तन की गांठ सूजन और पीड़ा है वह दूर हो जाती है। इसके पत्तियों का काढ़ा बना करके रस निकाल करके आप इस तरह से लाभ पा सकती हैं। जिनको पीलिया हो जाए, विशेष करके यदि मान लीजिए कि जो गर्भिणी माताएं बहनें हैं उनको कभी पीलिया हो जाती है तो उस समय पर बड़ी सावधानी की ज़रूरत पड़ती है। रक्ताल्पता जब वो एनीमिक हो जाती हैं तो ऐसी कोई औषधि नहीं है जो उनको तुरंत दिया जा सके या जो हानि रहित हो, क्योंकि उसमें बहुत सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। उस स्थिति में ये 4-5 ग्राम इन पत्तियों को कुचल करके आप काढ़ा बना करके यदि आप माताओं बहनों को प्रातः सायं पिला देते हैं तो इससे तुरंत लाभ हो जाता है। इसका रस निकाल करके भी आप पिला सकते हैं। ये 3-4 ग्राम 5 ग्राम पत्तियों को कूट करके थोड़ा रस निकाल लें 1-2 चम्मच और प्रातः सायं या थोड़ा सा जल मिला करके पिला दें। इससे पीलिया या पीलिया जन्य जो उपद्रव हैं या लीवर की जो परेशानी है वो ठीक हो जाती है। यह बहुत ही एक उत्तम औषधि है पीलिया के प्रारंभिक स्थिति के लिए, चाहे वो सामान्य आदमी को हो, चाहे वह हमारी गर्भिणी मेरी माताएं मेरी बहनों को हो, उसमें यह अत्यंत लाभकारी प्रयोग है। जिनको हर रोज़ भयानक दर्द रहता हो पेट में, बड़ी बेचैनी होती हो, तो इसका एक बहुत अच्छा प्रयोग है। यदि आप कैस्टर ऑयल जो है उसको आप यदि 2 चम्मच में थोड़ा नींबू निचोड़ लें, थोड़ा नमक मिला करके उसको मिक्स कर करके यदि आप ले लें, ऊपर से थोड़ा चाहें तो आप गर्म पानी पी लें, इसको आप करते हैं तो कितना भी भयानक पेट में दर्द हो ये एक बहुत ही उत्तम औषधि है, उससे यह ठीक हो जाएगा। और जिनको कोलाइटिस है, एमोबाइसिस है और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज के लिए यह बहुत ही उत्तम रामबाण औषधि है। कब्ज के लिए ये निरापद भी है, ये आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं, सभी को दे सकते हैं। रात को सोते समय आप 2 चम्मच अरंड का तेल दूध में घोलिए और दूध को पी जाएं। मीठा मिलाना चाहें तो मीठा मिला करके आप दूध पी सकते हैं, नहीं मीठा मिलाना है तो वैसे भी पी सकते हैं। तो आप देखेंगे आपके पेट की समस्या, यदि आप इसको और भी अच्छा वो करना चाहते हैं तो आप 20-25 मुनक्के को बीज निकाल करके दूध में आप पका लें, पका करके उसको उबाल करके फिर आप उसमें एरन का तेल मिला लीजिए, फिर आप देखेंगे सुबह आपका पेट आराम से साफ हो जाएगा, ना आपको होगी बेचैनी, ना होगी परेशानी, ना होगा पेट में ऐंठन। तो ये बहुत निरापद और आंतों को भी शक्ति देने वाला, प्रायः आयुर्वेद के अंदर भी जो औषधियाँ पेट साफ करने की जो तीव्र औषधियाँ हैं, विरेचन की जो औषधियाँ हैं, वो हमारी आंतों को ज़्यादा लेने से नुकसान पहुँचाती हैं। सनाए की पत्ती है या जमाल गुट्टे जैसे जो तीव्र जो औषधियाँ हैं या काला दाना जैसे जो ज़्यादा पेट साफ करने वाले द्रव्य हैं, यह आंतों को कभी कभी ज़्यादा समय तक लेने से नुकसान भी पहुँचाते हैं। उसके लिए हालांकि त्रिफला आदि थोड़े निरापद हैं तो एरंड जो है इसमें आपका बहुत निरापद प्रयोग हो सकता है। पेट को साफ करने के लिए जो आंतों के अंदर जो एंजाइम्स नहीं बनते हों, रस पाचक रस नहीं बनता हो, वो रस भी इससे बनने लगेगा, खाया हुआ पाचन भी होने लगेगा, आँव का भी पाचन हो जाएगा। एमोबाइसिस और कोलाइटिस में भी यह काम करेगा, आपके अर्थराइटिस में भी यह हेल्प करेगा। यदि कोई बहुत कमज़ोर आदमी है तो उसको भी इससे नुकसान नहीं होगा और आराम से आपका पेट साफ हो जाएगा। तो पेट साफ करने के लिए अति उत्तम औषधि है यह एरंड का तेल, आप घर पर ला करके रख सकते हैं और आप प्रयोग कर सकते हैं। और जो मेरे किसान भाई आज गुजरात आदि क्षेत्रों में इसकी बड़ी मात्रा में खेती करते हैं, उससे उनका यह रोज़गार भी और बढ़ेगा। हालांकि इसको हम एलोपैथिक में भी, आयुर्वेद में भी सब जगह यूज करते हैं और बहुत सारे औषधियों में यह घटक द्रव्य के रूप में उसमें डाला भी जाता है। यह बहुत ही अच्छी चीज़ है। और जिनको अपेंडिक्स के जो शोथ है बहुत परेशानी होती है, अपेंडिसाइटिस होने से बहुत ज़्यादा कभी कभी पीड़ा होने लगती है पेट में, यदि चिकित्सक के पास जाते हैं तो कह देते हैं तुरंत आप ऑपरेशन कराइए, दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वो भयानक पीड़ादायक होती है और वो बहुत नुकसानदायक भी होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि यदि आप डेली 2 चम्मच इस एरंड तेल को यदि आप दूध में डाल करके पीते हैं तो जो अपेंडिक्स का जो दर्द है, आंत्रपुच्छ की जो पीड़ा है, वह भी नहीं होगी। यह बहुत ही एक उत्तम, बहुत गुणकारी औषधि है। अपेंडिक्स के
दर्द या सूजन के लिए, उससे सूजन भी उतर जाती है और अपेंडिक्स में भी पूरा लाभ हो जाता है। और यदि पेट में कीड़े हैं, पेट के कीड़े के लिए भी एक बहुत अच्छी औषधि है। यदि इसका रस निकाल करके 2 ग्राम से लेकर के आप 10 ग्राम तक इसके रस का सेवन कर सकते हैं। इसको रस को निकाल करके सुबह प्रातः काल दे दें। यदि पहले थोड़ा सा एक गुड़ की डली खिला दें, 15-20 मिनट के बाद में रस पिला दें। पहले गुड़ की डली खिला दें और जिनके पेट में कीड़े हैं उनको मीठा नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह से रस पिला देंगे तो पेट की जो कृमि है वह निकल जाएगी, उससे पूरे पेट के अंदर जो भी इन्फेक्शन है वह ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छी औषधि है। इसके अतिरिक्त कई बार बच्चों के चूरमे हो जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं एनस भाग में, वो बेचारे बहुत परेशान होते हैं। उसके लिए यदि इसके रस को निकाल करके उस गुदा भाग में यदि बच्चों को लगा देते हैं, गुदा पर लगा देने से जो चूरमे हैं, जो इस तरह के जो कीड़े हैं वह भी ख़त्म हो जाते हैं, चूरमे काटना बंद कर देते हैं। बहुत ही अच्छी यह औषधि है। और इसके पंचांग को, इसके जड़ को उखाड़ करके और इनके पत्तियों को, इसके फूल और इसके फल को थोड़ा कूट करके, कुचल करके उसको पकाइए गौमूत्र में। आप लगभग ये सब कुचल करके जो 10 ग्राम जो ये द्रव्य हैं, थोड़ा सा आप ले लें फूल, थोड़े से ले लें फल, थोड़े से ले लें पत्तियाँ और ले लें थोड़े से इसकी जड़ की छाल को। इस पंचांग को लेकर के आप जो है पकाएं गौमूत्र में, लगभग आप 50 ग्राम गौमूत्र में 10 ग्राम इसको पका लें। जब 20 ग्राम के लगभग बचे, मसल करके छान करके प्रातः सायं पिला दें। यदि आप पिला देते हैं जिसको स्प्लीन बढ़ी हुई है या जिसको एसाइटिस की प्रॉब्लम है, जलोदर जैसी जो भयानक महामारी और कष्टप्रद जो बीमारी है, उसके लिए यह एक रामबाण की तरह से काम करता है। गौमूत्र में एरंड के पंचांग को 20 ग्राम की मात्रा में कूट करके उसको पिला दें तो बहुत ही उत्तम औषधि है यह, जिनको जलोदर जैसी जो भयानक व्याधि है, भयानक जो परेशानी है उसके लिए। और मोटापे वालों के लिए भी एक रामबाण है यह एरंड। यदि आप एरंड का तेल डेली, आप उसको दूध में ना पी करके आप एरंड की जो जड़ है, जड़ को आप उखाड़ लें, जड़ को उखाड़ करके उस जड़ के अंदर उसको टुकड़े कर लें और लगभग 20 ग्राम जड़ को आप 400 ग्राम पानी में पका लें। मोटापे वाले सुन लें, 20 ग्राम एरंड की जड़ को 400 ग्राम पानी में पका लें और जब बचे 100 ग्राम छान करके मिला दें उसमें 1-2 चम्मच एरंड का तेल, उसको मिला करके आप पी जाएं। आप देखेंगे इसका कमाल कुछ दिन में ही छटने लगेगा। आपकी चर्बी, विशेष करके जिन भाइयों को और जिन माताओं बहनों को पेट बढ़ा हुआ है, पेट में चर्बी है, यदि उसको पियेंगे तो निश्चित रूप से वो चर्बी छट जाएगी। तो उन लोगों के लिए भी यह बहुत ही गुणकारी और दिव्य प्रयोग है पेट की चर्बी को कम करने के लिए। तो इससे आपकी पेट की चर्बी स्पेशल उससे कम हो जाएगी। तो इसका ध्यान रखें, अरंड के मूल का 20 ग्राम चूर्ण में 400 ग्राम पानी में पका करके उसमें आप 100 ग्राम बचने पर 2 चम्मच अरंड का तेल, कैस्टर ऑयल मिला करके आप नियमित रूप से प्रातः खाली पेट और रात को सोते समय पिए। जिनको थोड़ा ज़्यादा पेट साफ हो जाए वह अरंड के तेल की मात्रा को थोड़ी सी कम कर दें। इसके अतिरिक्त गर्भाशय में होने वाला जो सूजन है, उस समय बहुत परेशानी होती है, या योनि में माता बहनों को किसी इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग है, या कभी कभी बहुत चूहन और दाहा होती है, उस समय पर भी यदि रुई के फोवे में भिगा करके एरंड के तेल को यदि योनि पर रख लेती हैं 1-1.5 घंटा रखने से उस दर्द में, उस पीड़ा में, उस सूजन और चूहन में इससे पूरा लाभ हो जाएगा। यह बहुत ही अच्छी औषधि है। और जिनको मासिक धर्म के समय पीड़ा होती है माताओं बहनों को, उस पीड़ा को शांत करने के लिए भी कई बार वो मेरी बहनें बहुत ज़बरदस्त पेन किलर लेती हैं, फिर भी वो तड़फती रहती हैं, उस स्थिति में ये बहुत सरल प्रयोग है। यदि पत्तों को गर्म करके पेड़ू और पेट पर बांध लें तो उनके दर्द में तुरंत आराम हो जाएगा। और मेरी बहनें इसको उबाल करके काढ़े को भी पिएँ, इसमें थोड़ा सा मिला दें अजवाइन, थोड़ा सा मिला दें इसके अंदर थोड़ा सा सौंठ, अजवाइन मिला करके एरंड के पत्तों का काढ़ा बना करके पीने से मासिक धर्म संबंधी जो पीड़ा है, दर्द है, उसमें तुरंत लाभ हो जाएगा। इसके अनंत गुण है, अनंत लाभकारी है। जिनको शाइटिका की प्रॉब्लम है वह भी इसके एरंड तेल को यदि नियमित रूप से सेवन करते हैं तो शाइटिका में भी लाभ हो जाएगा। जिनको गठिया है उसमें भी इससे पूरा लाभ हो जाएगा। और इसकी एक विशेषता है, ये बहुत तरह के जो विष हैं, किसी भी तरह के पॉइजनिंग हुई है या जहरीली चीज़ों ने काटा है, तब भी इस एरंड के तेल का प्रयोग बहुत ही गुणकारी है। और बेड सोल के लिए, जो बिस्तर के अंदर शैया क्षत बोलते हैं, जो लेटे रहते हैं, जो चल फिर नहीं पाते, कई बार वो बेड सोल हो जाते हैं, वो बहुत भयानक बीमारी होती है, बड़ा ही पीड़ादायक होती है, उसमें भी इस एरंड का तेल
बहुत ही गुणकारी होता है। यह एरंड अत्यंत लाभकारी है सूजन में, दर्द में और इस तरह के शैया सूल आदि में एरंड पाक बना बनाया मिलता है बाजार में। उसके सेवन से भी गठिया से, वात रोगों से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो एरंड पाक बनाने की जो है, उसके गिरी को दूध में पका करके, उबाल करके, गाढ़ा करके आप उसका सेवन कर सकते हैं और बहुत सारी औषधियां मिला करके भी उसका आप सेवन कर सकते हैं। ये आपके एरंड के विषय में हमने जानकारी दी। इसका प्रयोग करिए और जीवन में आनंद पाइए और औरों को भी आप आनंद कीजिए, आनंदित कीजिए। कल फिर मिलेंगे एक और औषधीय जानकारी, आयुर्वेद के जीवन के दर्शन के संदर्भ में और ढेर सारी जानकारियाँ लेकर।